हेलो गाइस, पियासी नेचुरल में आपका स्वागत है। मैं हूँ पिया और आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ कि एलोवेरा जेल से आप अपनी स्किन, फेस सबको कितना अच्छे से बना सकते हैं घर में DIY करके। तो सबसे पहले मैं एलोवेरा जेल के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगी आपको। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि मैं जितनी भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊँ वो सब आपको मिले, राइट। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। एलोवेरा जेल एक एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है उसमें, जो कि आपकी स्किन को अंदर से हील करता है। इसमें एलोवेरा जेल में विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो आपकी स्किन को अंदर से हील करता है और जल्दी से जल्दी आपकी स्किन को झुर्रियाँ और झाइयाँ नहीं पड़ने देता है। और एक ऐसा एंटी एजिंग प्रोडक्ट है कि जो आपकी स्किन को बहुत यंग और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोई बनाए रखता है, राइट। तो इसमें अगर आप लेमन और शहद मिक्स करके एलोवेरा जेल में रोज लगाएंगे तो आप हमेशा की तरह यंग दिखेंगे। एलोवेरा जेल को हम हेयर्स के लिए, एलोवेरा जेल को हम स्किन के लिए, एलोवेरा जेल को हम डेंड्रफ या रूसी के लिए बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल को हम मॉइस्चराइजर की तरह भी यूज़ करते हैं, एलोवेरा जेल को हम स्क्रबर की तरह भी कुछ मिक्स करके कॉफ़ी वगैरह यूज़ कर सकते हैं, राइट। मैं आपको इस वीडियो में दो DIY बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी स्किन को लाइटनिंग करता है, वाइटनिंग करता है, वो DIY। सेकेंड, आपके स्किन में झुर्रियाँ झाइयाँ ना पड़े उसके लिए। तो एलोवेरा जेल से आप बहुत सारी चीज़ें सही कर सकते हो आपकी स्किन और आपके हेयर्स के लिए। तो अभी चलते हैं DIY के लिए, जो कि मैंने बनाए हैं इन दोनों टॉपिक्स पे, वाइटनिंग पे और झुर्रियों और झाइयों के लिए। तो गाइस, ये मैंने तीन चीज़ें ली हैं। अब मैं बता देती हूँ, ये स्पून है, मैंने ये तीन चीज़ें इसलिए ली हैं कि जिनकी स्किन पे उम्र से पहले ही झुर्रियाँ आ जाती हैं, झाइयाँ पड़ जाती हैं, कील मुहासे हो जाते हैं, तो उस केस में आप कैसे ख़त्म करें। एलोवेरा जेल इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट अदा करता है। तो सबसे पहले आप ये वाले तीन ले लीजिए, पतंजलि का वर्जिन कोकोनट ऑयल, डाबर का हनी और वर्जिन एलोवेरा जेल। ये एंटी एजिंग होता है, इसमें विटामिन सी और इसका पीएच लेवल बहुत अच्छा होता है। इसमें विटामिन सी एंड विटामिन ई बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जिससे आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, राइट। तो सबसे पहले मैंने ले लिया एलोवेरा जेल, देन उसके बाद में मैंने ले लिया है आपका पतंजलि का वर्जिन कोकोनट ऑयल। आपके पास कोई भी वर्जिन कोकोनट ऑयल है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। और ये बोतल मुझे कुछ 370 की पड़ी थी, हाफ केजी में पतंजलि की, तो मैंने ये वर्जिन कोकोनट ऑयल डाल लिया है। देन जिनकी स्किन ड्राई है और झुर्रियाँ उम्र से पहले आ रही हैं, वो शहद का यूज़ कर सकते हैं। शहद तो पता ही है ना आपको स्किन के लिए कितना अच्छा है, और ये शहद आप इसमें अपनी स्किन अनुसार डाल सकते हैं, जितनी जितनी आपने क्वांटिटी में और सब चीज़ें डाली हैं उसी के अकॉर्डिंग। और ये तीनों चीज़ें मिक्स करने के बाद में आप अपनी स्किन पे अगर वीक में दो बार अप्लाई करेंगे तो आपके फेस पे झाइयाँ, झुर्रियाँ, कील मुहासे अंदर से नहीं आएंगे, क्योंकि एक एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है और आपकी स्किन को बहुत अंदर से हील करता है, मॉइस्चराइज करता है। तो गाइस, मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप वीक में दो या तीन बार इस चीज़ को यूज़ करिए और आप फिर इसका रिजल्ट देखिए, और देन मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये रेमेडी आपकी झुर्रियों के लिए है और जो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आपको स्किन को बहुत ज़्यादा गोरा, वाइटनिंग करना है, तो उस केस में आप एलोवेरा की मदद से कैसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप एक ब्लैंक कंटेनर ले लीजिए। ब्लैंक कंटेनर लेने के बाद में जो भी जितना भी चाहिए आपके फेस के अकॉर्डिंग ये रेमेडी ले लीजिए। तो मैंने अभी के लिए इतना ले लिया है, राइट, क्योंकि मुझे उतना ही चाहिए, आपको एक बार लगाना है।
अब मेरे पास अभी वाव का एलोवेरा जेल है, आप चाहो तो आप पतंजलि का भी ले सकते हैं, बट ये 99% इफेक्टिव है और प्योर एलोवेरा जेल है, और ये 299 का आता है और डील में ही आपको 250 रुपये का मिल जाता है, तो आप ये ले सकते हैं। एलोवेरा एक एंटी एजिंग प्रोडक्ट है जो आपकी स्किन में बहुत सारी चीज़ों को सही करता है, कील मुहासे या डेंड्रफ, और आपके आपकी चीज़ों को बहुत अच्छे से वर्क करता है। देन ये मिला लीजिए, और देन आप उसके बाद में ले लेंगे गुलाब जल, ये आप डाल लीजिए और इससे आप ऐसे मिक्स कर लीजिए, राइट। देन मैं ये मिक्स करने के बाद में ये अच्छे से मैश कर लूँगी, और मैश करने के बाद में बेसन आपके स्किन के अंदर की डर्ट को निकालता है, जो डेली में आपकी स्किन पे छोटे छोटे आपके पोर्स में बैठ जाती है, उसको निकालने के बाद में स्किन को हाइड्रेट करके एक अच्छी त्वचा को क्रिएट करता है, जिससे आपकी स्किन लाइट एंड वाइटनिंग होती है। तो गाइज ये है आपकी फर्स्ट रेमेडी स्किन वाइटनिंग के लिए। अगर ये आप वीक में 2 या 3 बार करेंगे तो आपकी स्किन अपने आप वाइटनिंग एंड लाइटनिंग हो जाएगी। आप चाहो तो इसे मॉर्निंग में उठने के बाद, चाहो तो आप इसको सोने से पहले ऐसे दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। और आपने देखा होगा जितनी भी ब्राइड होती हैं उन वो भी पहले बेसन का इस्तेमाल करती हैं, उबटन करती हैं, जिससे उनकी त्वचा निखर के आती है और स्किन में एक नया सा ग्लो आता है। तो आप इसे लगाएंगे कैसे, सबसे पहले आप ऐसे लेके, ब्रश हो तो ब्रश और उससे ऐसे लेके आप ऐसे स्किन पे यूज़ कर सकते हैं, आप अपने फेस पे, हैंड पे, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये यूज़ करके और आधा घंटे की थोड़ी मसाज करके आधा घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, जब तक ये सूखे ना, छोड़ दीजिए, और उसके बाद में इसे हल्के हल्के गर्म पानी के कपड़े को लेके इसको छुटा दीजिए। सो गाइज आपको मेरी ये दोनों DIY अगर पसंद आई है तो प्लीज़ ये दोनों फॉलो करो, और आप अपनी स्किन को अच्छी लाइटनिंग वाइटनिंग बनाइए, और एलोवेरा जेल को डेली लाइफ में यूज़ करिए। मैं यूज़ करती हूँ, आपको जो भी यूज़ करना है पतंजलि का, वाव का, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वाव का एलोवेरा जेल यूज़ करिए, क्योंकि वो 99% इफेक्टिव है आपकी स्किन के लिए। मैं डेली रात को सोने से पहले और जगने के बाद यूज़ करती हूँ, दिन में भी टाइम मिलता है तो तब भी। तो आप भी ऐसे यूज़ करिए, और हाँ, आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, अपने सगे संबंधी सब में ये वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि उन लोगों को भी हेल्प मिले इन सब नेचुरल चीज़ों से अपनी स्किन को अच्छे से ग्लॉसी, शाइनी एंड वाइटनिंग बनाने के लिए। तो मैं यही आशा करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे एंड फेसबुक पे। सो थैंक यू सो मच गाइज मुझे इतना प्यार देने के लिए। अभी के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हाँ, लास्ट नोट पे, आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए, आप जो चाहते हो वो सब खुशी खुशी करिए अपनी लाइफ में। बाय बाय।